उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में डीसीएम सुगर में फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर आए लोगों ने जमकर हंगामा काटा। फर्जी अधिकारियों ने घेराबंदी की, चारों तरफ से डीसीएम सुगर मिल के कर्मचारियों को बंधक बनाया। यह 16 लोग फर्जी अधिकारी बनकर आए थे। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर धामपुर सुगर मिल इकाई असमोली में छापेमारी कर 10 से 15 लाख रुपए की मांग करने लगे। 16 अभियुक्तों को 2 लग्जरी कारों के साथ साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभी तो रमेश कुमार आजाद ने पूछताछ में बताया कि पहले योगेंद्र अज्ञात निवासी पंडित नगला कटगढ़ जनपद मुरादाबाद, साथ ही साथ कुछ अन्य साथियों के साथ साथ धामपुर सुगर मिल इकाई द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में ग्रामीणों ने शिकायत की। हमें जल्दी छापेमारी करनी है। मैं साथियों को कल 27 जून 2019 को अमरोहा बुलाया और फिर 2 गाड़ियों में अमरोहा से चलकर धामपुर सुगर मिल इकाई अमरोहा से 10:45 पर सीबीआई का आदमी बताकर एथेनॉल प्लांट के पास चेकिंग शुरू कर दी और सुगर मिल के अधिकारियों और कर्मचारियों से हमने मामला रफा दफा करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए की मांग की। प्रशासन को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि कल की घटना जो है एक जैसे विचित्र घटना है। इस तरह की घटना न तो सुनने में आई थी और न कभी हमने देखा था। हमने भी 40 साल की उम्र में इंडस्ट्री ही सर्व किया है, लेकिन कभी इस तरह की छापामारी मैंने नहीं देखी। जब इसकी सूचना मेरे को मिली तो मैंने केवल इतना ही कहा कि इन लोगों को विथहोल्ड कर लो और पुलिस प्रशासन को इसकी इतला दे दो। और कल जो है मैंने एडिशनल SP साहब को तुरंत फ़ोन किया, मैंने SO साहब को फ़ोन किया, मैं थाने तुरंत भाग करके गया और इतना त्वरित कार्रवाई इसके लिए मैं SP साहब, एडिशनल SP साहब और SO साहब और थाने सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की घटने में यदि इस तरह की त्वरित कार्रवाई होगी तो क्राइम इस जिले से तो समाप्त हो जाएगा। इस तरह की हमारा जो वियर हाउस का इंचार्ज है उससे उन्होंने जब ये घेराबंदी में आ गए तो एक लड़का उसमें से जो है, अब नाम तो उसका मैं नहीं बता सकता, वो कहा कि आप लोग ऐसा करो कि आप लोगों को यदि फैक्ट्री नहीं बंद करवानी है तो मेरे से बात कर लो। और उसने जो है उनसे जो है करीब करीब 10 से 15 लाख रुपए की डिमांड करी है और उन्होंने कहा कि इसको जो है, मतलब हमारा जो अधिकारी था उसने कहा कि मेरे को ऊपर बात करनी पड़ेगी, आप बैठिए। और इसी तरीके से मतलब जाल में फंसा करके ही इनको रोका गया। नहीं तो ये तो ये भी बात जाते हैं, ऐसा वीडियो है जिसमें पैसा मांग रहे हैं, ऐसा कोई वीडियो है? देखिए कमरे में तो वीडियो नहीं बन सकता, हम लोग उनको बताया गया कि आप एक CBI के रूप में जाएंगे, ऐसी संस्थाओं को हम लोग टारगेट करेंगे, बड़ी संस्थाओं को, और वहां जाकर के छापेमारी करनी है, उनके कागजात चिन्हित करने हैं, उनकी फैक्ट्री चेक करनी है और इस तरीके से वहां कैमरा ले जाकर के खाली उन पर दबाव बनाना है। आप लोग चुपचाप जाइएगा, कोई इसमें और अन्य कार्रवाई नहीं करेगा, सिर्फ इसके मार्गदर्शन में, रमेश कुमार के मार्गदर्शन में ही सारी कार्रवाई करेंगे। रमेश कुमार एक फार्मासिस्ट है, इसका एजुकेशन फार्मासिस्ट लेवल का है और बाकी सब उसने इंटर पास, हाई स्कूल पास ऐसे लड़कों को टारगेट किया था जो नई उम्र के लड़के हैं जिनको रोजगार की आवश्यकता है। इस क्रम में उसने एक यहाँ से संजय से मिल करके, जब संजय मिला तो उसने प्लान ऑर्गेनाइज किया, 20-25 दिन पहले एरिया भी चेक किया उसने आकर के, फैक्ट्री को देखा, फिर उसने अमरोहा में सभी को इकट्ठा होने के लिए कल का समय दिया था। कल सभी जितने बच्चे थे, ये 12-15, इन सभी को वहाँ इकट्ठा किया गया, बस स्टैंड अमरोहा पे सारे लोग आए, फिर वहाँ से 2 व्हीकल में, एक SUV थी और एक इनोवा गाड़ी, यहाँ वहाँ से बैठ करके सब अच्छे कपड़ों में बेहतरीन तरीके से आकर के सीधे फैक्ट्री पहुँचे। फैक्ट्री में वो वहाँ से जो गार्ड था उनको बताया कि हम लोग अधिकारी हैं और हम फैक्ट्री चेक करने आए हैं। वहाँ चेक करने के रूप में वो लोग अंदर गए, कई जगह उन्होंने फ़ोटो वोटो खींचना शुरू कर दिया और जो वहाँ की केमिकल यूनिट है, जो प्रोहिबिटेड एरिया होता है, वहाँ भी वो लोग चले गए और अपना कैमरा, जो मोबाइल कैमरा वगैरह था उसको यूज करके वहाँ फोटोग्राफी करने लगे। जब वहाँ के जो मैनेजर हैं उनको ये जानकारी हुई कि कुछ लोग आए हैं और विजिलेंस टीम बन करके, CBI फर्जी बन करके यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे संपर्क करने और जानकारी लेने की कोशिश की तो वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। इस क्रम में उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद उन्होंने हैंडओवर किया और जब पूछताछ की गई तो ये पूरा गैंग, अब तक 56 जो मूवी अभी आई थी उसी से मोटिवेटेड हो करके इन्होंने स्पेशल 26 मूवी आई थी उसी से मोटिवेट हो करके इन्होंने पूरा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया था और ये फर्जी CBI गैंग का पूरा वो हुआ है, खुलासा हुआ है और इनके जो पूरे साथी हैं वो सब गिरफ्तार करके अब जेल भेजे जा रहे हैं। इसमें 16 अभियुक्त हैं, 2 लग्जरी गाड़ियाँ बरामद हुई हैं और 9 मोबाइल बरामद हुए हैं, इनके पास कई फर्जी मोहर, कई ID, इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। क्या कुछ लोग फरार भी हैं सर? हाँ, अभी टारगेट किया जा रहा है, इसमें वो संजय जो इनका मेन
पार्ट था, यहाँ का लोकल पार्ट था, वो अभी फरार है, उसको भी इसमें चिन्हित किया गया है और उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये एक नए किस्म का गैंग है जो अपने आप को फर्जी रूप से सीबीआई ऑफिसर, विजिलेंस ऑफिसर बनकर के, एक हमारे यहाँ मझोला शुगर फैक्ट्री है उसमें आकर के इन लोगों ने छापा डाला और मौके पे जब शुगर फैक्ट्री वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद पुलिस इनको लाई और फिर इनका जब पूछताछ का क्रम शुरू हुआ तो ये एक नए तरीके का ही पूरा केस खुल के आया। ये इसमें एक संजय नाम का व्यक्ति है, संजय जो यहाँ मुरादाबाद का रहने वाला है, उसने एक प्लान आयोजित किया था, प्लान किया था कि इसमें रमेश कुमार आज़ाद एक व्यक्ति है जो CIU करके, सेंट्रल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट करके, दिल्ली में GTB नगर में एक एजेंसी के रूप में चलाता है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में जैसे CBI है इसी के फर्जी नाम मिलते जुलते वो चलाता है, एक संस्था जो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के मिली जुली रूप में काम करती है फर्जी रूप से। इसने क्या किया, जो संजय व्यक्ति है इसने रमेश कुमार आज़ाद से कांटेक्ट किया, फिर मझोला जो ये शुगर फैक्ट्री है इसके खिलाफ कई सारे पोल्यूशन के कि इनका पानी, गंदा पानी निकलता है, क्षेत्र में पोल्यूशन होता है, खेत खराब हो रहे हैं, ऐसे करके एप्लीकेशन डलवाया और एप्लीकेशन डलवाने के बाद उस व्यक्ति से एक नेक्सस बना करके ऑपरेट करना शुरू किया। इसने CIO जो है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो रमेश कुमार आज़ाद चला रहा था, इसने 6 महीने पहले एक विज्ञप्ति निकाली थी कि बहुत सारे लोगों को हम भर्ती करेंगे और इन्वेस्टिगेटिंग टीम के रूप में इनको ट्रेंड करेंगे। काफ़ी लोगों ने इनसे संपर्क किया जिसमें शाहजहाँपुर, अमरोहा, गाजियाबाद, मुरादाबाद और इस हापुड़ आदि जगह के लड़के थे, इन्होंने कांटेक्ट किया, अपना भर्ती निकली वहाँ पे उन्होंने कांटेक्ट किया, फिर उनको बताया गया, उनको सॉर्ट आउट किया गया, उनमें शॉर्ट लिस्ट किया गया। इंडिया न्यूज के लिए सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट। बहराइच में राजकीय महाविद्यालय पॉलिटेक्निक रिसिया मोड़ के पास विशाल का अजगर ने एक बकरी को अपना निशाना बनाया, उसके बाद पासी में बने पुल में घुस गया। बकरी चराने वालों ने जब देखा कि एक विशाल का अजगर उनकी बकरियों में से एक बकरी को निगल गया, देखते ही देखते लोगों ने जोर से आवाजें लगाना शुरू कर दी। वहीं पहुंचे आसपास के लोगों ने काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। थोड़ी देर में डायल 100 की गाड़ियां भी पहुंची, लोगों को वहां से दूर किया गया, फोन से वन विभाग को सूचना दी गई। दरअसल रोड के पास आसपास के गांव के लोग बकरी व भैंस चराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हाईवे पर आते हैं। डायल 100 पुलिसकर्मियों के अलावा आसपास के नागरिकों के साथ साथ राहगीर भी काफी संख्या में मौजूद थे। पूरा इलाका पुलिसकर्मियों ने घेर रखा है ताकि जब तक वन विभाग की टीम नहीं पहुँचती है तब तक किसी को कोई नुकसान न हो। TV1 इंडिया न्यूज के लिए सुभाष जायसवाल की रिपोर्ट, बहराइच। बरेली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार के पास पत्रकार अनुज शर्मा के ऊपर हमला हुआ जो कि अपने घर वापस जा रहा था। रास्ते में युवकों ने पत्रकार के ऊपर हमला किया, साथ ही साथ गालियां भी दी, पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी। पत्रकार को बुरी तरह से मारा पीटा गया जिससे पत्रकारों के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई, जिसमें पैर फ्रैक्चर होने की संभावना भी बताई जा रही है। क्या घटना हुआ आपके साथ? आप हमारे लड़के बाबूगंज में रहे और बाबूगंज में मेरे बच्चे को छेड़खानी की या मारने के लिए। किसने? वो पंडित तरुण। अच्छा, फिर? फिर मारना चालू कर दिया बिना कोनो गुनाह का। अच्छा, कोई गुनाह नहीं रही। शिकायत किया? हाँ। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वालों ने क्या कहा? मुकदमा लिखा। मुकेश कुमार क्या साथ? क्या हुआ तुम्हारे साथ? एक आदमी जो है गांव का ही रहने वाला है। कौन? अरुण पंडित। हाँ। वो बाबूगंज में आया, हमारा रास्ता रोका, गाली गलौज किया और लोहे की राड से मारना चालू कर दिया। फिर हमने बचाव के लिए माँ को फोन किया, माँ आई हमारी, माँ को भी लात मारा उसने, 2-4 थप्पड़ मारे माँ को भी और सरिया से मार दिया। सरिया शिकायत किया? जी सर। कहाँ किया शिकायत? सर ऊंचाहार। नाम है आपका? अनुज शर्मा नाम है मेरा। क्या घटना हुआ आपके साथ? घटना ये हुई कि मैं बाबूगंज अपने निवास में था, वहाँ से पंडित वो दीपू आता है, अरुण हमको जो है निकालता है, बोले बाहर निकल, तो मैं बाहर निकल के आया तो हमारे साथ तत्काल जो है राड से मारपीट चालू कर दिया और बद्दी बद्दी गाली देकर हमारे दोस्त को भी मारा राड से। देखो हमारे शरीर राड यहाँ पे लगी हुई है, ये पूरा ब्लड चल रहा है, अभी तक बंद नहीं है और ये मेरा हाथ फ्रैक्चर है और मेरे दोस्त को भी मारा, ये देखो इतना फ्रैक्चर इसको भी हो रखा है। बुरी तरीके से मारने का पूरा प्रयास किया, उसके बाद तमंचा दिखाने लग गया, बोला तुमको मैं गोली से मार दूंगा,
और यहीं थाने में गए तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने कहा कि आप तहरील दीजिए, मुकदमा पंजीकृत। क्यूबन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद साकिब के साथ राजेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, मुजहार, रायबरेली। जेल में अपराधियों द्वारा पिस्टल लहराने का वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जेलें सवालों के घेरे में आ गई। इसी के चलते आज यूपी के शाहजहांपुर में एसपी और डीएम ने जीरा जेल में अचानक छापेमारी की, जहां पर छापेमारी के दौरान जीरा जेल की बैरकों की चेकिंग की गई। चेकिंग में कई प्रतिबंधित और आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई। भारी मात्रा में पॉलीथीन मिलने पर डीएम ने जेल पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही जेल में बंद पश्चिमी यूपी के अपराधियों की निगरानी के कड़े आदेश भी दिए गए। दरअसल आज एसपी एस चन्नप्पा और जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने भारी पुलिस बल के साथ जेल में अचानक छापेमारी की। जेल के सभी बैरक और आसपास गहन से चेकिंग की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में प्रतिबंधित और आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसको डीएम ने जब्त कर लिया। जेल के अंदर से भारी तादाद में प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर जिलाधिकारी ने जेल सुप्रिंटेंडेंट पर 25,000 और जेल के चिकित्सक पर भी 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। डीएम का कहना है कि प्रतिबंधित वस्तुओं का मिलने पर सुप्रिंटेंडेंट को गेट पर गहन से चेकिंग के आदेश दिए गए। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक ने जेल में बंद पश्चिमी यूपी के बड़े अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए। अधिकारियों का कहना है कि जेल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल डीएम और एसपी के छापे के दौरान जेल में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के द्वारा आज जिलाधिकारी महोदय के साथ आज इसका जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया गया है और हमारे जो आज जो जेल के जो कैदी है उनको पेश करने के लिए हमारे जो कर्मचारी आते हैं उनको भी सख्ती से निर्देश किया गया है कि जब वहाँ पेश करने के लिए लेके जाते हैं तो उनको किसी अनऑथराइज्ड मतलब किसी से न मिला दे अनऑथराइज्ड तरीके से, और इनके कोई मोबाइल वोबाइल का कहीं पे भी इस्तेमाल ना हो और इनका सघन तलाशी लेने के लिए बताया गया है। तो हार्डकोर बदमाश अंदर बंद है, उनको लेकर किस तरह की देखभाल? इनके ऊपर कड़ी हमने उन्हें नज़र रख रहे हैं और कहीं इस तरह का हमारा लगातार संपर्क भी सुप्रिंटेंडेंट से है और हम लोगों ने बीच बीच में इस तरह का जो आकस्मिक निरीक्षण करते रहेंगे और इन लोगों के ऊपर सदा नज़र रहेंगे। आज ये औचक छापेमारी हम लोगों के द्वारा की गई, बहुत विस्तार से सारे बैरिक्स की चेकिंग की गई है। यद्यपि बैरक्स में ऐसी कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं है, लेकिन जेल में पॉलीथीन का इस्तेमाल होते हुए पाया गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत स्पष्ट निर्देश है, पूरा पॉलीथीन से पूरी तरीके से बैन है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं दो अधिकारी हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, इसकी जिम्मेदारी है। इसमें हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी एम्पावर किया गया है कि वो जेल किसी भी जगह पर उनको पॉलीथीन मिलता है तो उस पर वो कार्रवाई करेंगे, और साथ में जो जेल में जिनको चेकिंग करनी होती है मेन दरवाजे पे जिनकी ड्यूटी लगी है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए इस पॉलीथीन पे हम लोग 25,000 रुपये का जुर्माना उन्हीं अधिकारियों पे लगा रहे हैं। और साथ में जेलर साहब को निर्देशित किया गया कि इस जेल को एक हफ्ते के अंदर पॉलीथीन फ्री जेल, जो बैंड पॉलीथीन है उसके अलावा भी जो बैंड पॉलीथीन नहीं है उस पर भी जेलर साहब ने अपनी सहमति दी है कि साहब हम इसको पूरी तरीके से पॉलीथीन फ्री जेल बनाएंगे। साथ साथ दो तीन चीज़ें कमियाँ ये भी देखने में आई हैं कि जो जेल के अंदर आपके सोक पिट्स बने हुए हैं उसके ऊपर के कवर्स थोड़े कच्चे हैं, जिससे कभी कोई दुर्घटना भी घट सकती है, तो इनको निर्देशित कर दिया गया है, इसका एस्टिमेट बना लेंगे और कार्ड इसको करा देंगे। जिस तरीके से वीडियो सामने आए हैं, तमाम चीज़ें आपत्तिजनक चीज़ें मिली, उस तरह के लोगों किस तरह की छापेमारी की गई? देखिए, लगभग सभी बंदियों के बैग्स चेक करके देखे गए हैं और पूरे बैरिक के पेरिफेरी में जो क्यारियाँ हैं, जो पीछे चोक पिट्स हैं, उन सबको खोल के देखा गया, लेकिन ऐसी कोई आपत्तिजनक वस्तु संज्ञानित नहीं हुई। यहाँ तक कि सभी जितने इनके बैरक इंचार्ज होते हैं सबके मोबाइल पर फ़ोन करके देखा गया तो सबके फ़ोन उनके घरों में पाए गए हैं, और अब हम लोग उनकी टीम उनके घरों में भी भेज रहे हैं ये चेक कराने के लिए कि उनके फ़ोन उनके घर में उपलब्ध हैं कि नहीं। तो पूरी तरीके से फ़ोन का कोई इस्तेमाल होता हुआ नहीं पाएगा, लेकिन पॉलीथीन के लिए ये बहुत गंभीर और आपत्तिजनक विषय है, और इनको ये भी निर्देशित किया गया है कि जो इनके मिलने वाले आते हैं उनसे इस बात की भी सूचना लें कि पॉलीथीन वो कहाँ से खरीद के लाते हैं, इसे सोर्स पे हिट किया जाए। 25,000 रुपये का जुर्माना इसमें जो बंदियों की चेकिंग करके अंदर भेजते हैं उन पे लगाया गया, और डॉक्टर जो यहाँ के हैं जिनको खुद भी जिनकी जिम्मेदारी है तो उनसे भी जुर्माना वसूला गया। देखिए, ये क्योंकि पहली बार है और इसमें हम लोग जुर्माने का ही प्रोविजन होता है, अधिकारियों को सचेत कर दिया गया, अगली बार अगर इस तरीके का कोई भी इंस्पेक्शन में मिलेगा तो उसके लिए सुप्रिंटेंडेंट खुद व्यक्तिगत रूप से उनका तो इन्वाइट किया। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।
झारखंड में सरायकेला के धातकीडी गांव में चोरी के आरोप में तरबेज अंसारी नाम के युवक की पिटाई और उसकी मौत के मामले में सियासत तेज हो गई। इसी के चलते समाजवादी अल्पसंख्यक सभा शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष हफीज अहमद अंसारी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा है। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष तनवीर खान को ज्ञापन देते हुए बताया कि 17 जून को तरबेज अंसारी पर सांप्रदायिक हमला और उसे भीड़ द्वारा बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। पिटाई की वजह से तरबेज अंसारी की जिला अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी वजह से पूरा देश शर्मसार हुआ है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। साथ ही यह भी कहना है कि जब से एनडीए सरकार बनी है तब से लगातार बेगुनाहों की हत्याएं हो रही हैं। सांप्रदायिक ताकतें मजहब के नाम पर देश को तोड़ना चाहती हैं और पूरी तरह से देश को बर्बाद करना चाहती। हम लोग मांग करते हैं कि तरबेज अंसारी हत्याकांड में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, ताकि भविष्य में मजहब के नाम पर इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटित हों। और हम लोग भले ही अलग अलग मजहब के हों, लेकिन हम सभी लोग एक। अल्पसंख्यक सभा के प्रदेशीय आह्वान पर आज जो तबरेज हत्याकांड है, जो जबरन आप सभी को मालूम है कि सांप्रदायिक हमला, फ़िरकापरस्ती हमला उन पर हुआ और उनको इतना मारा गया, जो उनकी जान चली गई तबरेज अंसारी की, उसी को लेकर समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की तरफ से प्रदेशीय आह्वान पर ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया जा रहा है, ताकि मॉब लिंचिंग बंद की जाए और जो हत्यारे हैं, जो तबरेज की हत्या जिन्होंने की है, जिन्होंने बेवजह धर्म के नाम पर गैर मजहबी नारा लगाने के लिए मजबूर किया है, तो इसलिए और मारा है जिससे उनकी जान गई है, तो इसके लिए हम पार्टी समाजवादी लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी चाहती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का यही पैगाम है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अपना अपना धर्म, अपना अपना मजहब है, उसके मनाने के तरीके अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। मजहब को मनाने के, मजहब पर जो अपने इबादत के तरीके हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। इसलिए ये ऐसा एक कानून तैयार किया जाना चाहिए जो किसी भी धर्म, चाहे किसी का भी हो, किसी को बेवजह उस पर अत्याचार ना किया जाए और उस पर जबरन दबाव बनाकर उसके धर्म को नष्ट ना किया जाए और उसको बेगुनाह ना मारा जाए। ऐसी घटना जो हुई है, इससे पूरा देश शर्मसार हुआ है। समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है और ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति पूरे देश या प्रदेश में कहीं ना हो सके, पूरे देश में भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम सभी तक पहुँचे, इसलिए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट, शाहजहांपुर। सोनभद्र में पीएम और सीएम के ऊपर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कुछ अन्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई आपत्तिजनक, जिस पर चौपन निवासी एक युवक को भारी पड़ गई। मंगलवार को चौपन पुलिस ने इस मामले को उक्त युवक के खिलाफ IPC की धारा 294 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ती सावित्री देवी की तहरीर पर की गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। बाद में एक बार फिर से टीवी वन इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पर महापौर संघ नगर निगम की टीम हरकत में आई। 2 JCB मशीन लगाकर महापौर के ग्रह क्षेत्र की सफाई जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद की, जहां पर टीवी वन इंडिया न्यूज ने गंदगी को लेकर बड़ी खबर चलाई थी, जिसके चलते नगर निगम और महापौर हरकत में आई। इसके बाद उन्होंने अपने ग्रह क्षेत्र की सफाई शुरू कर दी है। फिलहाल युद्ध स्तर पर बजरिया क्षेत्र की सफाई जारी है। क्या वास्तव में सफाई व्यवस्था मेंटेन हो पाएगी या फिर ये दिखावटी ड्रामा है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल खबर चलने के बाद फिर से कुमकम की न्यूज से नगर निगम जगह है, देखना यह होगा कि आप कब तक सफाई कर पाते हैं। क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, जो ये सफाई की गई है नगर निगम द्वारा, ये कब की गई? करीब 1.5 घंटा पहले। अच्छा, यहाँ पर कोई नगर निगम के और भी अधिकारी वगैरह थे जब सफाई हो रही थी? नहीं। तो क्या क्या था यहाँ पर सफाई के लिए? पूरा भरा पड़ा हुआ था, पूरी रोड जो जाते वहाँ तक पूरा जाम। कब से आप परेशान थे यहाँ पर? मैं क्या, पूरी पब्लिक ही परेशान है, मंदिर मस्जिद दोनों यहाँ पे। कब से जी बताओ, कब थे? अच्छा, आज सफाई आज सफाई हो गई नगर निगम की तरफ से? रोजीना होती सफाई। क्या JCB वगैरह आई थी? क्या आया था? JCB और वो दोनों चीजें आई थी, नया ड्राइवर आया था आज, सुनील नहीं आया। तो आज सफाई पूरी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।
जगीत में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव आज देवहा नदी के किनारे स्थित ग्राम सिमरिया ताराचंद एवं मुड़िया कुंडरिक में नदी के कटान को रोकने हेतु किए गए कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। सर्वप्रथम जिलाधिकारी ने सिमरिया ताराचंद गांव पहुंचकर कटान रोकने हेतु बनाई गई ठोकरों का निरीक्षण करते हुए अधिशासी अभियंता बारखन को निर्देशित करते हुए कहा कि पिचिंग का कार्य 2 दिन के अंदर पूर्ण किया जाएगा सभी ठोकरों पर और बैग लगाकर ठोकरों को किनारे तक बढ़ाया जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा नदी के किनारे बरसात के पानी से मिट्टी के कटान को रोकने हेतु ग्राम प्रधान को नदी के किनारे किनारे अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराए जाने को भी कहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट पीलीभीत। पीलीभीत के थाना न्यूरिया क्षेत्र में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीलीभीत के थाना न्यूरिया के अंतर्गत निगर ग्रामबरी के जंगल में एक महिला जयवंती पत्नी मूलचंद उम्र करीबन 35 वर्ष निवासी ग्राम चौराखेड़ा थाना न्यूरिया पीलीभीत का शव गन्ने के खेत में बरामद हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़ित परिवार से बातचीत कर घटना की जानकारी ली गई। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट पीलीभीत। मथुरा के राजीव भवन पर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। अधिकारियों की लापरवाही से किसान परेशान है। सिटी मजिस्ट्रेट समाज कल्याण अधिकारी सहित कई अधिकारियों को 2 घंटे तक बंधक बनाया गया। राजीव भवन में तालाबंदी की गई। प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। नहर बांबू में पानी और आवारा पशुओं से परेशान, बिजली की बड़ी दरों को लेकर प्रदर्शन किया। मीडियम और सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद धरना को समाप्त किया गया। क्योंकि बिल्कुल तो 25% दरों को बढ़ाया है किसानों ने, किसानों ने। और मथुरा में करीबन 1 साल से बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि अधिकारी सो रहे हैं। करीबन हमने आधा दर्जन एक दर्जन ज्ञापन दे दिया, आज तक किसी बिंदु पर कोई कार्रवाई न हुई, न किसी किसान से मिला के कोई अधिकारी, न किसी को सूचना दी कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा 5 तहसीलों पर प्रदर्शन है और अभी हम एक कमेटी डिसाइड करेगी। हर तहसील पर जाम लगाया जाएगा और आर पार की लड़ाई की मूड में है सभी अधिकारी। अभी हमने यहाँ बंधक बना दिए हैं, आपने देखा है, पहले से ताला लगा दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट और समाज कल्याण अधिकारी को भी बंधक बना दिया है, अंदर बैठे हुए हैं। अभी वार्ता चल रही है, किसानों का अगर कोई हल निकलता है तो धरना समाप्त होगा, नहीं निश्चितकालीन धरना चलेगा और बंधक अधिकारी। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगे हमारी, एक तो नहर बंदों में पानी नहीं है और सबसे ज़्यादा जो है गोवंश के लिए आवारा बेसहारा गोवंश है, जिससे छुट्टा बसों से नुकसान इतना हो रहा है कि हमारी वो फसल तो गई गेहूँ वाली, जो हम चारा कर रहे हैं पशुओं के लिए वो भी नहीं हो पा रही है। हर आदमी अपने खेत में सोना पड़ रहा है और बिजली की इतनी बड़ी समस्या है जो सिंचाई के लिए उन्होंने 8 घंटा जो 12 घंटा जिन्होंने प्रसीवन किया था वो भी 4 घंटा मिल रही है। किसान हर तरीके से त्रस्त है और इसीलिए यहाँ इतनी 500 तहसीलों पर जनसंख्या में किसान आया हुआ है, हर बार के मुँह में है। ये निश्चित है मुकदमा लगे, गोली चले, मगर आज यहाँ से समाधान होते हैं। अभी आपके सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, क्या अनुरोध था? वार्ता पहल हो गई, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है, वो सक्षम नहीं है किसी कारण से या किसी वजह से, हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। तब तक नहीं मानेंगे तब तक कोई हमें लिखित आश्वासन नहीं देगा कि आप 1 हफ्ते के अंदर आपकी ये कार्रवाई होगी। तो क्या उन्होंने कहा कोई और DM आ रहे हैं, कोई और अधिकारी? वो कह रहे हैं हम अभी बात कर रहे हैं अपने अधिकारियों से, हमने कहा आप आराम से कीजिए, आप अंदर हैं हम बाहर हैं, ये अब देखी जाएगी कि आप ज़्यादा दिन रहते हो यहाँ पर, अभी हम ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू। पार्टी में करेंगे ये निश्चित है, थोड़ी उतावली हो रही, कोई बात नहीं, समझा दूंगा। आप लोगों से हमारी दुश्मनी थोड़ी है, कोई नहीं, सब लोग भारत के नागरिक हैं, हम स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पे हैं, इधर खड़े हैं, हम इधर खड़े हैं, कल हम इधर खड़े होंगे, आप इधर खड़े होंगे, उससे कोई मायने नहीं रखता। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने जो ज्ञापन किए थे और उसको कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी कोई डिस्कस नहीं हुआ बीच में, कोई डिस्कस नहीं, आपकी बात तो हुई, कई बार हुई, एक ज्ञापन दिया उसके बाद दूसरा दिया, दूसरे बाद तीसरा दिया, बोले ठीक है आपको देगा, फिर चौथा दिया, ऐसे करके हमने 25 ज्ञापन दिए, एक भी मीटिंग तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिंचाई विभाग के कई बार यहाँ तालाबंदी भी की है, कई बार और भी हमने जो छोटे बड़े आम हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं, कोई बुराई नहीं है ज्ञापन देना, ज्ञापन देने से फायदा क्या, किसान यहाँ तक कैसे आया उसका फायदा क्या। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट मथुरा।